पूरा मैदान छोड़ के तेरे को मेरे पास ही जाके मुतना था। अपनी तरफ ध्यान दे, नहीं तो गिल्ली गुम हो जाएगी। ये इधर का भाई है तू? साले चड्डी में रहने का समझा ना। काय की सर्कस है बे सुबह सुबह? संत्या समझा दे अपने दोस्त को। मेरा दोस्त है तो फिर छोड़ देना था ना। तेरा दोस्त है ना इसीलिए कम मारा, नहीं तो तेरे को पता है। बस मुन्ना भैया पटापट निकलने का यहां से, क्योंकि क्या है ना, आसपास के लोगों ने कहना नहीं चाहिए कि संत्या ने अपने इलाके में मारा तेरे को। अबे निकलने को क्यों कह रहा है, साले ने कितना मारा मेरे को। आमदार के लिए काम करते करते खुद को आमदार समझने लग गया क्या तू? मेरा सेठ आमदार को एक फोन करेगा ना, लावारिस हो जाएगा तू। ए, ए, ए गजय ज्यादा फल मत कर, जिंदा है वो अभी। ये देख मुन्ना, अपनी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, बस इज्जत से रहने का। चल निकल निकल। मिलेंगे जल्दी, तेरे एरिया में मिलना। क्या है बे, चल
रुक बे, लेने दे। बे सूरज, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा बे? आजा कंचे खेलने। मैं नहीं आता। संत्या, तुझे 10 बार बोला है, मेरे लड़के को फालतू के काम मत बता। कंचे खेलने ही बुला रहा हूँ, उसमें क्या फालतू है? नहीं बराबर है, फालतू का कुछ नहीं है। फिर कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, दिन भर गुटखा खाकर टाइम पास करते रहना, ये बहुत बड़े काम है। नहीं, लेकिन ये काम तुम ही करो, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है। तो किसने कहा मत पढ़ा? अब हम भी तो सिखाने का ही काम करते हैं, नहीं क्या बे? संत्या, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो तमाचा मारूंगी। रहने दे, कपड़े बर्तन ही धोती है, लेकिन टशन टशन कितनी है रेखा दाई? क्यों, कपड़े बर्तन धोना काम नहीं है क्या? भीख तो नहीं मांगती, और टशन के सिर्फ मर्दों में होती है। कह रहे औरतों ने टशन दिखाई तो देखा नहीं जाता क्या? रहने दे, बड़ी ऑफिसर ही है जैसे। मैं नहीं बनी तो क्या हुआ, मेरा लड़का अफसर बनेगा और तुम बैठो कंचे खेलते हुए। चल रे, इन टपोरी के साथ बिल्कुल मत दिखना, चल। चलो बे, मैं भी जाता हूँ, भूख लगी। भैया दो चाय देना। कितने रुपए बाकी थे? 5,000 रहे थे शायद। क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो जादव साहब ने बुलाया था, शिवाजी जयंती के पंडाल के पैसे रह गए थे, बाबा भाई बोले लेकर आओ। ये बाबा भाई को छोड़कर इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता क्या? जादव की होशियारी है। संध्या, महाराज की जयंती के पंडाल के पैसे नहीं लेते हम, सिर्फ लेबर का मेहनताना लेते हैं। ए दड़ियल, महाराज की जयंती के लिए हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, और तेरी तो बिल्कुल ही नहीं। इसके बाद इधर दिखना भी मत, चल निकल। महाराज की जयंती का काम मिला तो मना नहीं कर सकता, आना पड़ेगा। ए रफीक, महाराज की जयंती का और तेरा कोई लेना देना नहीं है। चाहे नहीं चाहिए। हमने एरो गैरों से शिवाजी महाराज को नहीं समझाए संत्या, हमारे पुरखों से सीखा है जो सच जानते थे, और इसलिए पता कि महाराज सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, हमारे भी थे। ए, रफीक, निकल इधर से। ए, गाड़ी निकल रहे। दूसरी जाति की लड़की कैसे दिखाऊंगा मैं? रिश्ता आया है क्या रवि के लिए? बहुत लड़कियां देखी, लेकिन तेरे कारनामे सुनकर सब मना कर देते हैं। फिर क्यों टाइम पास कर रही है? छोड़ दे। मैं क्या बोलता, लड़की पसंद होगी तो रवि को फोटो दिखा कर देखिए, रजिस्ट्रेशन फी दे दो तो बाकी जानकारी निकाल लेता हूँ। कितने पैसे दो अभी? 1,000 रुपए। क्या करती है लड़की? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। और तेरा क्या चल रहा है? एक दो किताबें पढ़ा कर कभी। अपनी पढ़ाई पूरी हो गई। अरे 10वीं फेल आदमी ने ऐसा बोला तो कैसा होगा? अपने भी कुछ उसूल है। मैंने पहले ही सोचा था कि एक ही क्लास में दूसरी बार बैठूंगा नहीं, 10वीं में फेल तो फेल। अरे पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। अपनी पढ़ाई पूरी हो गई, 7 साल हो गए। अरे संत महात्मा तो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फुले, बाबा साहेब। एक मिनट, तुम जय भीम वाले तो नहीं हो ना? अरे नहीं दीदी, मैं तो आपके समाज का हूँ, लेकिन महामानव के नाम लिए तो तकलीफ क्या है, वो तो सभी के होते हैं ना। सभी के मतलब? उनकी मेहनत का फल तो सभी खा रहे हैं ना। अब आपके रवि को देख लो, मिली ना सरकारी नौकरी। रवि की नौकरी का यहाँ क्या संबंध है?
तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं चलता है लगता। नाम भी नहीं चलता। आपका संतोष तो हमेशा दिखता है उनके जयंती के कार्यक्रम में। हमारा लड़का वही दिखता है जहाँ दिखना नहीं चाहिए। संत्या, पल्लवी, तेरे नोट्स कंप्लीट है क्या? हाँ। मेरे नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्लास के बाद। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। ए पल्लवी, और कितने दिन भाव खाएगी तू? चल फिल्म देखने चलते। अरे ये सफीना बताएगी ना तुझे मास्टर ने क्या सिखाया। तो ए पल्लवी, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। पल्लवी, तुझे क्या मैं जोकर दिखता हूँ क्या? अरे कुछ गलत किया क्या तेरे साथ, या कुछ गलत बोला? ये देख, अपने को फालतू टाइम पास नहीं जमता। हाँ देखता हूँ, और कितने दिन भाव खाएगी। तो ये वाली, वो ऊपर वाली देख फिर। तुम लोगों को जीने दोगे या नहीं? संतोष, आखिरी बार कहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को छेड़ना बंद कर दे। ओ स्टूडेंट्स, तुम्हारे घर में ये मैदान किसी के बाप का नहीं है। यहां हम जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे जो? लड़कियों को छेड़ोगे, बकवास करोगे, रास्ता रोकोगे? हाँ तो रास्ता ही रोका है ना, और तो कुछ नहीं किया है। संतोष, मैं पुलिस से शिकायत करूंगा। तू क्या मेरी परमिशन की राह देख रहे हो? जाओ करो। दो चाय दे। साला आमदार के आदमी को पुलिस का डर दिखाता है। संध्या, तेरा पहले का उधारी बहुत हो गया है। हाँ तो चाहिए नहीं क्या? संत्या, बहुत दिनों से तेरे हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाई यार। तो क्या बोलता फिर? क्या बोलता क्या? बिरयानी पार्टी करना पड़ेगा जल्दी। हाँ यार, फिर निकालो पैसे जल्दी। पैसे क्यों चाहिए बे? इसके बाप की दुकान से 2 किलो मटन उठा लेंगे। पॉकेट में मेरा बाप जैसा बकरा काटता है वैसा काट दूंगा तेरे को। क्या मतलब है? मटन की दुकान है क्या? आमदार साहब के घर जाना है ना, जयंती का चंदा मांगने। अंबेडकर सेतु की बिल्डिंग खंडर पड़ी है, मुझे नहीं लगता वो काम कभी पूरा होगा। आपने चाहा तो उस जगह हम एक नाइट स्कूल शुरू कर सकते हैं। बस्ती का भी फायदा होगा और दूसरों का भी। कुकरेजा को फोन लगा। सर कुकरेजा। हाँ कुकरेजा साहब, वो विहार के बाजू वाली जमीन है ना, वो आप छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम बराबर बोल रहे हो, लेकिन जिसकी जमीन है उसके कागजात अभी मेरे हाथ में है। तुम भी जाओगे और साथ में मेरे को भी लेकर जाओगे। एक मिनट, कुकरेजा साहब देखिए, छोटी जमीन है, समाज का काम है, काय को लोचा खड़ा करने का। हाँ देख लो तुम भी, ये जिसका है उसको दे। एक का काम करो तो दूसरा नाराज होता है। बोलिए क्या बात है? मैं स्कूल के बारे में बोल रहा था, और मैं वहां पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप जिम्मेदारी ले लोगे मास्टर जी, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? गलत धंधा चुना है आपने मास्टर जी। आमदार साहब, ये मेरे लिए धंधा नहीं है। लेकिन धंधा ही है ना वो। अब ये देखो, तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा होगा, बराबर है? हमारे लिए पैसा है ये। खैर जाने दो, क्या करना है वो बताओ। बच्चे तैयार हैं, मैं पढ़ाने को तैयार हूं, सवाल सिर्फ जगह का है। अभी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने वाला। उस जगह पे हम अंबेडकर का स्मारक बनाने वाले हैं।
उंडाने साहब, स्मारक उनके बनाने चाहिए जिन्हें लोग भूल सकते हैं, उनके नहीं जिनके बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। बड़े बड़े लोगों के स्मारक तो सभी जात धर्म के लोग बनाते हैं, उन्हें बनाने दीजिए। बाबा साहब को कौन भूल सकता है, उनका काम और उनकी किताबें, यही उनका असली स्मारक है। तुम्हारे विचार महान है, लेकिन विचार सुनकर कोई वोट नहीं देता ना। फिर सब कुछ वोट पर आकर रुक जाता है। बाबा साहब भी दो बार हराए गए थे। वही तो मैं बोल रहा हूं, तो वो प्रोजेक्ट की जमीन का रहने देते हैं, नाइट स्कूल का क्या जुगाड़ होता है मैं देखता हूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और कोई है बाहर? हमारा नेता कैसा हो, विजय गुंडाने जैसा हो। नमस्ते सर। इन्हें जरा दूर ही रखिए आप, बदमाश लड़के हैं, सबको परेशान करके रखा है। यार तमाशा किया ना तो बहुत पछताओगे तुम। हे संत्या, बेवकूफ हो गया तुम लोग, किसको क्या कहना समझता नहीं? साठे, मास्टर जी को दरवाजे तक छोड़ो। बैठो, ये लोग इनकी मनमानी करते रहेंगे और मैं इन्हें बार बार संभालते रहूंगा। वो कुकरेजा वहां एक औरत की जमीन पे बैठा है, उसको उठ बोला तब तक ये लड़के उस मास्टर के सर पे बैठ गए। साहब, वो मास्टर रोज ही हमसे उलझता है। राजनीति हम करते हैं, बड़प्पन भी हमें ही दिखाना पड़ेगा। वो मास्टर अभी मुझे सिखा कर गया है, बाबा साहब का स्मारक नहीं स्कूल बनाओ बोला। अब लोगों में कोई ऐसा बोलेगा तो जूते नहीं मारेंगे लोग। उस दिन मेरी दुकान पर भी कुछ लोग आए थे, कह रहे थे बाबा साहब की जयंती अलग अलग नहीं एक साथ करेंगे। नहीं नहीं, एक साथ काय को, पैसे अलग अलग मिलते हैं फिर एक साथ काय को, किसी के भी बहकावे में आना मत। तुम तुम्हारा चंदा करो, तुम्हारी जयंती मनाओ। साठे, 30,000 रुपए मुझे काय को दे रहे हो, जयंती इनके बाप की है, इनको दो। दोस्त लोग कह रहे थे कि बिरयानी पार्टी करना चाहते हैं। क्यों, दारू पीना छोड़ दिया क्या? नहीं ऐसे नहीं है, 2-3 हजार और थे। बिरयानी यहां तक चलकर आनी चाहिए, दौड़कर आएगी साहब। संत्या, बिरयानी एक नंबर बनी है। अच्छा हुआ अपनी पार्टी सब सोने के बाद ही शुरू होती है, नहीं तो सब साले भुगत के दावत में। बराबर। ए छोटिया, पूरे शहर में ऐसी बिरयानी मिलती है क्या कहीं? ए सुबिया, हाँ पूरे शहर में ऐसी बिरयानी बनाने वाला भी एक ही है, एक ही है, एक ही है। बस, सीधे तरीके से नहीं पटी ना तो दूसरे तरीके भी है मेरे पास। हमारे जात की लड़की चलेगी तेरे को? तेरे जात की नहीं है ना बे। तुझे कैसे पता बे? तुझे कैसे पता कि नहीं है? नहीं है ना बे, कभी लगा भी तो नहीं यार। बाबा साहब को मानने वाले लोगों की यही तो खासियत है संत्या, उनकी जात पता नहीं चलती। बस कर बे, मजाक कर रहा है साले। अबे पढ़ी लिखी लड़की है, अपनी जात थोड़ी बताती रहेगी। अबे लेकिन मुझे तो उसी के साथ शादी करनी है। पढ़ी लिखी लड़कियां किसी का सुनती नहीं संत्या।
कल मिली तो बताना पड़ेगा कि ज्यादा पढ़ मत करके। तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, ओ तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, उल्फत में तेरा दीवाना, कयामत से पहले तू दिल की जो सुन ले, कयामत से पहले तू दिल की जो सुन ले, तो बन जाएगा फसाना। तुझे दिल से चाहे दीवाना, जब मिलती हो तुम तो मिल जाता है, एक पल में ही सारा जमाना। तुझे दिल से चाहे दीवाना, मनीषा जा चाय लेकर आ। दारू लाओ क्या? जा लेकर। पसंद आई क्या लड़की? मेरे पसंद करने से क्या होगा? तू है तब तक यहां किसी की भी शादी नहीं होगी, ये हमें अच्छे से समझ गया है। क्यों? इसके कर्मों की सजा तुझे क्यों मिलेगी? अच्छी नौकरी है, अलग रहे और शादी कर।
लोग घर की जानकारी निकालते नहीं क्या? या मैं आसमान में रहता हूं? पूरे घर में शराब की बदबू फैल गई है, किसी बात की शर्म नहीं आती इसे? तेरी वजह से लोग हमसे बात नहीं करते, घर में आते नहीं है, घर में बुलाते नहीं। वो चंदे के पैसे देकर जा। काय का चंदा? जयंती का। किसी के भी जयंती के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। उनकी जयंती का करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, दोस्त है मेरे, इसलिए करना पड़ता है। फिर दोस्त बदल। ए, दोस्त बदलना नहीं पड़ता, दोस्ती निभाना पड़ता है, और ये वही समझेगा जिसके दोस्त होते हैं। फिर ये भी समझना चाहिए कि चंदा देना है तो खुद पैसे कमा कर देना है। कमाएंगे हम भी पैसे और बांटेंगे भी, ऐसे मतलब ही नहीं बनेंगे। साला घर के ही लोग चंदा नहीं देंगे तो क्या बाहर के लोगों को मांगू क्या? संचा तमाशा बंद कर। कौन कर रहा है तमाशा? कौन कर रहा है? अरे जयंती का चंदा मांगना मतलब तमाशा करना है क्या? ए जा जा, मतलबी इंसान। ओ मास्टर, दो जयंती का चंदा दो। मैं किसी भी जयंती में चंदा नहीं देता, और वैसे भी लोगों ने चंदा नहीं दिया तब भी आमदार तो देंगे ही ना। कब का दिया उन्होंने? और इतना दिया कि उनके पैसे में कार्यक्रम हो जाता है पूरा। लेकिन क्या है ना, चंदा मांगने से ये तो पता चलता है कि कौन किसे कितना मानता है। तो मतलब आमदार ने चंदा दिया तो बाबा साहब को मानते हैं, ये साबित हो गया। मानते ही चाहे वो, इसीलिए तो स्मारक बनाकर दे रहे हैं ना। और मैं भी शिवाजी महाराज का सैनिक हूँ, फोकट में किसी की नाइट स्कूल तो नहीं बनने दूंगा मैं। थोड़ा सोच कर बोलेगा तो एहसान होंगे शिवाजी महाराज पर। सवाल ये उठता है, स्कूल का विरोध करने वाला महाराज का सिपाही कैसे हो सकता है? क्या हुआ रे संध्या? चल साला, जो मिलता है वो अपनी होशियारी दिखाता है। अगर दो चार किताबें क्या पढ़ ली तो इनको बाकी सब बेवकूफी लगते हैं। संध्या, ये क्या नाटक है तेरा? मेरी दुकान में दारू काय को पी रहा है तू? मैं चुपचाप रह, नहीं तो सरीच फोड़ दूंगा तेरा। ए, चल। अबे ये मास्टर अपनी समाज का है क्या बे? और पल्लवी? किसको पूछ कर चढ़ा बे? संत्या को। अबे संत्या के घर पे जाके बांध फिर। तोरो नहीं बांध रहा है, काय को चिल्ला रहा है रे चंडे? क्या तकलीफ है तोरण बांधने में? कौन रो रहा है बे? अरे उधर बहुत लोग जमे हैं। चल देखते। रेखा मर गई बोलते है, सुबह बंगले पर काम पर गई थी, वही करंट लगकर मर गई बोलते। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लाएंगे। अकेला चढ़ के चली गई रे।
सूरज अकेला हो गया यार। रेखा दीदी बहुत ध्यान रखती थी उसका। संत्या बाहर आ। अबे यहाँ आएगा तो मर जाएगा क्या? बाहर आ। रेखा दीदी का पोस्टमार्टम क्या उस अस्पताल में? अपना डॉक्टर पहचान का है उसने बताया? उसका बलात्कार करके खून किया उसके मालिक ने। संध्या कहाँ जा रहा है? रेखा दीदी के घर में किसी को पता नहीं है। वंदना दीदी बोली मैयत जलने दो। कल सुबह कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा ले जाने का तय हुआ है। साहब वो कुकरेजा का फोन आया था, रेखा के लड़के की पढ़ाई के खर्चे के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार है। ये देखो बच्चों, ऐसे समय समाज की भावना भड़क जाती है। हमें शांत दिमाग से सोचना है। जो हुआ सो हुआ, उस औरत का नसीब समझो खराब था। वो कुकरेजा 10 लाख रुपए दे रहा है, उस औरत के बच्चे का नसीब खुल जाएगा। गरीब आदिवासी के लिए कोई 5-50 रुपए भी नहीं देता, 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। अपने को उतना कुछ नहीं समझता साहब, आप कुछ गलत नहीं बताओगे बस इतना पता है। ठीक है फिर, समझदारी से काम लो, काम पर ध्यान दो, जयंती अच्छी होनी चाहिए। क्या राहुल? अच्छा साहब। संध्या वो रेखा के पति से मिल, उसको बोल चुप रहेगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, मोर्चा निकाल कर पैसे नहीं मिलते। अच्छा सर। चलो बे, क्या हुआ? मुझे सही नहीं लगा। क्या सही नहीं लगा? वही जो अभी सुनकर आए। आमदार आदमी है वो, और अपने से ज्यादा ही समझता है उसको। घंटा समझता है। दो जातियों में झगड़े नहीं होने चाहिए, यह जिम्मेदारी किसकी? रेखा की। बलात्कार भी हुआ तो उसने चुप रहना चाहिए, नहीं तो समाज में दंगे हो जाएंगे। और उसका खून हुआ तो चुप रहने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है ना। जिसने बलात्कार किया, खून किया, वो कुकरेजा सिर्फ ऐश करेगा। राहुल चुप रहने को कोई नहीं कह रहा है, जिस समय जो करना है वो करेंगे ही ना। लेकिन आमदार साहब जो बोल रहे हैं वो सुनना पड़ेगा। और क्या गलत कहा भी उन्होंने? गलत तुझे दिखता नहीं होगा, पर मुझे दिखता है, क्योंकि मैं किसी का कुछ खाता नहीं। क्या बोलना है? सीधा बोल, रुक रे। और खाता नहीं हो किसको बता रहा है बे? कल जो बिरयानी खाया ना, वो उसी के पैसे की थी। ये ले निकाला बिरयानी, उठा के दे दे तेरे मालिक को। दे राहुल। संध्या राहुल राहुल आदिवासी किसको बोलता है बेबो? बहन थी वो अपनी सबकी, मेरी और तेरी भी।
रेखा के ऐसे अचानक जाने से हम सभी को बहुत दुख हुआ है, लेकिन ये समय दुखी होने का नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, अन्याय करने वाले से ज्यादा उसे सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि एक ने अन्याय सहा तो दूसरे पर होता है, दूसरे ने सहा तो तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवे पर, और फिर हमें अन्याय सहने की आदत हो जाती है। हमें अन्याय सहने की आदत नहीं बनानी है, पहले ही वार का प्रतिकार करना है। सुना है उस कुत्ते को जमानत मिली? ये तो होना ही था, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए जैसे दबाव बनाया, अदालत का फैसला आने तक वही दबाव बनाना पड़ेगा। हम अकेले अकेले रहते हैं, इसलिए इनकी हिम्मत होती है हम पर अन्याय करने की। कल सुबह हम यहाँ इकट्ठा होंगे। मास्टर, वो मोर्चा वर्चा कर रहे दो ना। रहने दूं? तू क्या शराब पीकर आया है? अरे तेरी बीवी थी वो? थी, लेकिन अब नहीं है ना। अब मैं हूँ, मेरा लड़का है, अब मुझे उसके बारे में सोचने दो। और जो लौट कर नहीं आ सकती, उसको लेकर मुझे मुसीबत में नहीं पड़ना है। तेरे बच्चे की जिम्मेदारी तेरे अकेले की नहीं है, हम सब है तेरे साथ। रेखा ने खुदकुशी नहीं की है, उसकी गलती नहीं होकर भी उसे मार दिया गया है। तुम सब ने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखा दी है, अब होगा जो होना है, बस वो मोर्चा बिरसा रहने दो। मैटर तू ग सेंटी सेंटी काग करते माचा टांगा पलटी मीनो नेटवर्क वाला टूटर 4G आउट माग आउट हो तो रोज मी गतुजा हो तो डल्ली मजनू वारी फिर तो अल्ली चर्चा जाची गली गली क्या तमाशा चल रहा है? कॉलेज के इम्तिहान शुरू है, बच्चे पढ़ाई करेंगे या गाने सुनेंगे? आज छुट्टी देना था ना मास्टर, जयंती है, आपको पता नहीं क्या? अच्छा, मतलब बाबा साहब की जयंती पढ़ाई को छुट्टी देकर मनाएंगे हम? मास्टर, गाने ही तो बजा रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। 2 दिन पहले यहाँ एक औरत की हत्या हुई, उसका 8 साल का लड़का है, उसकी माँ उसे अपने हाथों से खिलाती थी, वो नहीं है आज। उसने खाया होगा क्या? वो रो रहा होगा क्या? उसकी हालत क्या है? हमें कुछ नहीं पड़ी, हम दारू पिएंगे, तमाशा करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी ने कुछ सोचा है?
तमाशा हम ही करते क्या मास्टर? बाकी लोगों की जयंती में तमाशा नहीं होता है क्या? अरे दूसरों ने लाश शर्म छोड़ दी तो हम भी छोड़ेंगे क्या? बाबा साहब नाम का एक बड़ा हीरा मिला है इस देश को, उसका ऐसा अपमान मत करो। मन किया तो जय भीम बोल दिया, हो गया हमारा काम। हम क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, थोड़ा सोचो जरा। वाह वाह मास्टर वाह, एक नंबर सॉलिड भाषण हुआ। पर जो ना बे, पर जो तभी सोचू कि प्रोग्राम में कुछ तो भी कमी है। पूरी हो गए, निकलोगे अभी या घर तक छोड़ दूं? ये देखो मास्टर, प्रोग्राम का सत्यानाश मत करो। थोड़ी देर में आमदार साहब आने वाले हैं, तुमने थोड़ा भी अरे आपने बताया नहीं कि आपके स्टूडेंट्स भी यहां आए हुए हैं? क्या पल्लवी मैडम, लड़कियों को तंग मत कर संत्या, सही में पुलिस को दे दूंगा। मास्टर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है, पर्सनल। संत्या बोलने दीजिए। देगा तुम ही अपना कुछ तो। पल्लवी मुझे तुझे कुछ तो बताना है, तू पसंद है मुझे। संत्या सर आज बोलने दीजिए इसे। देखो रे सालो, यही है तुम सबकी भाभी, अपन इसके साथ ही शादी करने वाले हैं। क्या करता है तू, कितना पढ़ा है, क्या पहचान क्या है तेरी? महाराज के सैनिक की पहचान, जय शिवाजी जय भवानी, यही मेरी पहचान। क्या जानता है तू महाराज के बारे में? महाराज का मेरे से बड़ा भक्त कहीं मिलेगा नहीं तुझे। महाराज मतलब कहर थे कहर मुसलमानों के लिए, अफजल खान को तो ऐसे खड़ा काट दिया था, शाइस्ते खान की उंगलियों का कीमा बना दिया था, और औरंगजेब बस इतना ही कहर थे महाराज, लेकिन किसी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि बुरी नीयत और धर्म के अंधों के लिए। महाराज अगर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थे तो उन्होंने दौलत खान को शस्त्रागार का प्रमुख नहीं बनाया होता। मदारी मेहतर महाराज का सबसे वफादार अंगरक्षक था, काजी हैदर नाम का एक मुसलमान महाराज का वकील था। अरे सिद्धिलाल और श्यामाकांत जैसे सरदारों ने कितनी लड़ाइयां जीती है महाराज के लिए, ये पता है? तू खुद को बड़ा भक्त बोलता है ना महाराज का, तो मुझे बता महाराज को जनता का राजा क्यों कहा जाता है, ये पता है? उनके राज्य में किसानों के लिए क्या नीतियां थी, ये पता है? औरतों के बारे में उनके क्या विचार थे, ये पता है? उनकी प्रजा उनके लिए जान देने को भी क्यों तैयार रहती थी, ये पता है? और ऐसे महापुरुष को बनाने वाली माता जीजाबाई कितनी महान थी, ये पता है? नहीं ना, अरे ये सब पता नहीं तो कौन सा शिवाजी महाराज पता है तुझे? रे संध्या इंटरव्यू क्या दे रहा है उसे? तू बता, तुझे पता है? ये
भीम सैनिक, बाबा साहब की जयंती मना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? एक जय भीम कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। महाराज का काम और बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करने के लिए तुम्हारे जैसे नालायक भक्तों की जरूरत है। सुन रहा हूं तो ज्यादा बोलने का नहीं। हाथ नीचे रख, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे बजाऊंगी। तुझसे डरती नहीं हूं मैं, गुलाम उससे डर नहीं लगता है मुझे। उस दिन रेखा दीदी को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन होने वाला था वो तूने रोका ना, उसके पति को पैसों का लालच देकर उसका मुंह बंद कराया। किसके लिए किया बोला, किसके लिए किए दलाली? जिन्होंने रेखा दीदी को मारा उनके लिए? अरे लाना था घरे पर, मालिक को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान लेने वाले सिर्फ गुलाम होते हैं, और गुलामों पर हम थूकते भी नहीं। कल ही उठा उसको और दिखा दे तू क्या कर सकता है। सूर्या, संध्या, उसका 8 साल का लड़का है, लड़का है। उसकी माँ उसे अपने हाथों से खिलाती थी, वो नहीं है आज। उसने खाया होगा, वो रो रहा होगा, उसकी हालत क्या है? हमें कुछ नहीं पड़ी। बहन थी वो अपनी सब, मेरी और तेरी भी। बोला किसके लिए किए दलाली? जिन्होंने रेखा दीदी को मारा उनके लिए? अरे लाना था घर पर, मालिक को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान लेने वाले सिर्फ गुलाम होते हैं। संध्या, कहाँ जा रहा है? कुत्ता मारने। हेलो, संध्या, कॉर्ड फेंक, अपन खाली आते हैं।
बारा बारा कुत्ते अरे पाटिल तेरी तो नाइट ड्यूटी थी ना इसे कोर्ट लेकर जाना है ना काय का दिन और काय की रात सीधा सीधा हिसाब है संत्या ने मेरा सुना होता तो उसे अरेस्ट नहीं होती और अगर होती भी तो मैं बेल किया होता मोर्चा निकलना नहीं चाहिए ये काम दिया था उसको उसने वही तो किया साहब फिर कुकरे जाके बंगले पर आधी रात को क्या करने गया था वो हाँ अच्छा हुआ है समय पर फोन किया इसने नहीं तो उसको बता खुद का जो करना है वो करे इसके बाद बिल्कुल मुझे शक्ल दिखाना नहीं इतना जान पर आ रहा है क्या तो चंदा करके जमा हुए पैसे नहीं है कमाई के हैं तो क्या पड़ोसी से मांगू पड़ोसी क्यों देंगे उल्टा वो जेल में ही रहना चाहिए ऐसा बोलेंगे क्या है रविकांत आइए मास्टर जी मनीषा माली सर के लिए चाय लाओ कुछ नया खरीदने जा रहे हो हाँ इस घर के नेत्र दीपक सरकार उनका माल समझकर ले गई अब ये हमारा माल बताकर दावा करने वाले हैं आज छुट्टी है ऑफिस को नहीं सर जाना है संत्या को अरेस्ट किया इसलिए सरकारी छुट्टी नहीं मिलती मास्टर जी आप भी चलिए हमारे साथ कहाँ संत्या की जमानत करनी है बेटे का प्यार कम नहीं हुआ मैं परेशान हो गई हूँ मास्टर इस कमीने के वजह से कोई घर नहीं आता और कोई बुलाता भी नहीं फालतू के धंधे वो करता है और सजा हमें मिलती है फिर भी लड़का पास ही चाहिए अब घर के नहीं करेंगे तो कौन करेगा कल लोग ही बोलेंगे घर वालों ने बच्चे को छुड़ाया नहीं करके अच्छा लोग कहेंगे इसलिए जमानत कर रहे हो करो जमानत करो उसको बाहर लाओ वो फिर लोगों को परेशान करेगा और लोग फिर आपको बोलेंगे लोग तो कितने सालों से बोल रहे हैं मास्टर इसके कारण बहुत अपमान सहना पड़ता है पर अपमानित होना पसंद है ना तुझे इसलिए तो इतना खटपट कर रही है तो क्या करूं जमानत करो मत उसकी रहने दो उसे कुछ दिन जेल में दर अब कोई भी मदद नहीं करूंगा बोला तेरे घर गए थे तेरी माँ भी जमानत नहीं करूंगी बोली हमारे पहले वो मास्टर गया था तेरे घर पर हमने बहुत ट्राई किया यार लेकिन इतना पैसा हमें कोई भी नहीं देता
कल रात तू रॉड लेकर निकला था ना, तब सूर्या ने आमदार को फोन पे बताया। कौन सी धारा लगी है? धारा सुन के गुनाह समझता है लगता तेरे को? आज जमानत नहीं मिलती, जाएगा जेल में। तो ऐसा किस्सा है संत्या का। मुझे लगता है मौका आया है, तो हमें कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। उसने समझदारी दिखाई तो उसका भला होगा। तेरा मकसद अच्छा है और वो पूरा हुआ तो मुझे खुशी होगी। मुझे क्या करना है ये बता। ज्यादातर उसको अकेला रखना होगा, दोस्तों से मिलने मत दो और रोज एक अखबार पढ़ने दो उसको, और उसका खर्चा मैं तुझे दूंगा। अरे खर्चा कैसा, अखबार तो आता ही है जेल में, लेकिन अखबार पढ़ने से उसकी जिंदगी बदलेगी ऐसा लगता है तुझे? पेपर पढ़ने से उसके जीवन में बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन पढ़ने में दिलचस्पी जगेगी। पेपर में रोज नई नई खबरें छप कर आती हैं, मन लगने लगेगा। फिर हम उसे वो किताबें देंगे जिन्हें पढ़कर जिंदगी बदल सकती है। उसने एक बार भी अखबार उठाकर देखा होगा ऐसा लगता है तुझे? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना सतीश। अब क्यों पूजा कर रही हो, घर में ऑलरेडी शांति है। कम से कम इतनी तो गारंटी है कि ऑफिस जाते समय तमाशा देखने नहीं मिलेगा। जाकर मिलकर आ उसे। एक ही बात क्यों करती रहती है, तू खुद क्यों नहीं जाती मिलने? मैं मिलने गई तो लोग फिर कहने लगेंगे कि मैंने उसे बिगाड़ रखा है। कुकरेजा साहब, वो पैसे का थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। आपने 20 लाख बोला था, 1 लाख मिला है सिर्फ। वो रेखा का आदमी घर में 2 बार दिन में आके खड़ा हो जाता है। हाँ दे दूंगा, मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ क्या? अरे भागने का बात नहीं है, लेकिन आपने बोला था इसलिए वो मोर्चा रोका ना। सिर्फ मोर्चा रोका है आपने, केस तो नहीं हटाया? और वैसे भी हम उसे उसकी औकात से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। केस खत्म हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तुम्हारी केस खत्म होने तक नहीं रुकेगा वो। तेरे से पूछा मैंने साहब, वो शंभू वंदना से मिलता है और उसे अगर पता चला कि पैसे नहीं दिए तो वो उसे और भड़काएंगे। तू बीच में क्यों बोल रहा है? साठे बराबर बोल रहा है कुकरेजा। वो बाई का हस्बैंड बहुत लालची है, पैसा नहीं मिलेगा तो वो भड़क जाएगा। हाँ दे देंगे पैसा उसे, लेकिन पुलिस को संभालो, वहां तुम्हारी चलती है। पैसे के सिवा पुलिस स्टेशन में किसी की नहीं चलती। हाँ सही कहा आपने, वहां तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तुझे क्या लगा था 1 लाख में जिंदगी कटेगी?
उन्होंने समय निकालने के लिए लालच दिया था। बाहर रहकर उसने जो सबूत मिटाने थे वो मिटा दिए। हमारी केस भी कमजोर हुई। और तेरी हालत जैसी की वैसी। हासिल क्या हुआ? मोर्चा निकाल कर भी क्या मिला होता? मोर्चे से समाज एक हुआ होता, एक आंदोलन खड़ा रहा होता। अपराधी को जमानत नहीं मिली होती और उसे सजा होने की संभावना बढ़ी होती। हाँ, लेकिन मैं तो तब भी ऐसा ही रहा होता ना। और वैसे भी हमारा आंदोलन ऐसे कितने दिन चला होता? कितना भी हुआ तो हम अलग अलग जाति के। वो मास्टर ओबीसी, तुम एससी और मैं अपना आदिवासी, ऐसे कितने दिन तक साथ रहे होते हम? अब तक तो साथ में है ना, बस पैसा नहीं है तुम्हारे पास। पैसा हो तब भी तुझ पर अत्याचार होते ही रहेंगे, क्योंकि तू खुद को समाज का बहुत छोटा हिस्सा समझता है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं दादा, हम न्याय के लिए लड़ते हैं। अत्याचार जिस पर हुआ उसकी जाति देखकर नहीं लड़ते। क्यों, घर में शादी थी क्या? आ? क्या, 4 दिन हो गए मुझे पेपर नहीं मिला। क्या बोलता, सॉरी बेरी बोलू क्या? क्या साले एक एक नमूने देखने को मिलते। संविधान लिखते समय बाबा साहब सिर्फ उनके जाति, उनके समाज के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 340 लिखकर सबसे पहले ओबीसी समाज को उनके अधिकार दिलाए और बाद में अपने समाज का विचार किया। ब्रिटिश राज में बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे तब उन्होंने मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा के लिए कानून बनाए, शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की, मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहे इसलिए यूनियन को मान्यता दिलाई। बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने स्वराज्य का जो सपना देखा था, जिसकी नींव रखी थी, उसे वास्तव में लाने के लिए, सच करने के लिए बाबा साहब संविधान के माध्यम से कोशिश कर रहे थे। चल रहे हीरो, कोई मिलने आया है। कौन है?
कोई अशोक माली है। वो नहीं मिलना चाहता है। ये किताब दे दो उससे। ठीक है। मैंने दी है ये मत बताना। ठीक है। यहाँ रहकर तेरा भी कुछ नहीं होने वाला। जल्दी फैसला कर और आ जा मेरे पास। खुद का ध्यान रखना रे रवि। शेड का काम जल्दी खत्म करवाओ, बारिश शुरू होने वाली है। वो दो दिन में हो जाएगा सर। मैं उन्हें वो आपको थैंक यू कहने आया था। आ? क्यों रे बाबा? वो आपने किताब नहीं भेजी थी क्या शिवाजी महाराज की? उसके लिए पसंद आई क्या किताब? हाँ, एक नंबर किताब है। पहले मुझे पता ही नहीं था महाराज के बारे में। जो कुछ भी पता था वो सब एकदम झूठ और बकवास बातें थी। और अब? अब ऐसी गलती नहीं हो सकती, इसीलिए तो थैंक यू बोलने आया था। अरे थैंक यू बोलना है तो उसे बोल जिसने ये किताब भेजी है। वो किताब माली मास्टर ने भेजी थी, वो तुझे ही देने आए थे, मगर तू मिला ही नहीं उनसे। माली सर? किताब पसंद आई है तो एक बार और पढ़ ले। हाँ ठीक है, चलिए। साहब कुछ काम दो ना साहब, बैठे बैठे बोर होता है। अंडर ट्रायल को हम काम नहीं देते, अगर तेरी इच्छा है तो लिख कर दे। ठीक है। मगर इससे लिखवा लो। ठीक है सर। मैं देखता हूँ क्या करना है। माली सर आए हैं मिलने। माली सर रुकिए तो। मुझे पता है तेरी जमानत होने नहीं दी इसलिए तू नाराज है मुझ पर, मेरा गुस्सा करने लगा है। लेकिन फिर कुछ ऐसे संकेत मिले कि मुझे आना पड़ा। शिवाजी महाराज को पढ़ रहा है, सत्य की तलाश कर रहा है, अच्छी बात है। वो तलाश ऐसे ही जारी रहे इसलिए एक किताब लाया हूं तेरे लिए। ये किताब पढ़ना तेरे लिए चुनौती से कम नहीं लेकिन जरूरी है। समाज हित के लिए काम करने वाले महामानव किसी जाति धर्म के नहीं होते।
भले वो महामानव छत्रपति शिवाजी महाराज हो मराठों के या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो महारों के, वो मानव जाति के होते हैं और उनका कार्य उन्हें महामानव बनाता है। इन महामानवों के कार्यों से सत्य प्रवाहित होता है। वो तुकाराम के पास आता है, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आता है, वहां से ये सत्य महात्मा फुले के पास, और फिर बाबा साहब के पास आता है। इन सभी महामानवों का ध्येय एक ही है, बस उनकी राहें अलग अलग। ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये फैसला तुझे करना है, लेकिन पढ़ेगा तो तेरा फायदा ही होगा। जयंती का मकसद मैं जान ही न पाया, कर्ज जय भीम का है मान ही न पाया। कैसे बन जाता मैं तेरा अनुयायी, अंध भक्ति से मेरी राह डगमगाई। सोचा मैंने बाबा खुद को परखना, किया है कसूर पर चाहूं मैं संभलना। सोचा मैंने बाबा खुद को परखना, किया है कसूर पर चाहूं मैं संभलना। काबिल नहीं हूं के करूं तेरी आराधना, करो तुम कठिन है सफर पर आगे बढ़ो तुम। बतलाया तूने बाबा इस नई पीढ़ी को, राहे खुशहाली की अब से चुनो तुम। बनना है शासक ये लिख कर के रखना। मैंने बाबा खुद को परखना, किया है कसूर पर चाहूं मैं संभलना। काबिल नहीं हूं के करूं तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना,
हुआ सो भूल जा, एक नई दुनिया तेरे सामने है, इसलिए और क्या नया कर सकता है ये सोच। और वैसे भी माली सर तेरी जमानत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे निराला था अंदाज तुम्हारा, समता से सबका है जीवन सवारा। कीमत ना समझा मैं इन संगरों की, उजाला ना लाया था कोई सवेरा। कब तक मैं पहनूं गुलामी का गहना, सोचा मैंने बाबा खुद को परखना, किया है कसूर पर चाहूं मैं संभलना, काबिल नहीं हूं के करूं का। कुछ बताया क्या रे उसने? नहीं बताया। और तेरे को? मुझे भी नहीं बताया। जाने दे, हटा। दशहरे के बाद कितना बोर हो रहा है यार अक्षय। कोई भी कार्यक्रम नहीं, ना कुछ नहीं, अपनी बस्ती भी साली शमशान जैसी हो गई है। साले वही लोग, वही चेहरे, काय की भी मजा नहीं। संत्या, ठीक है ठीक है। अबे पर तू तो, अबे जेल वाले भी परेशान हो गए, कल ही जमानत दी कोर्ट ने। क्या बोलता शिव्या, कैसी है दुनिया? तेरे बगैर मजा नहीं थी यार। ऐसा एक बार भी तो मिलने नहीं आए बे जेल में? बता इसको। अबे 50 बार मिलने आए थे, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। और ये क्या है बे, जेल में इनाम भी ना मिला क्या? भी क्या बात बोला बे छोटा यार, अब तक मुझे समझा ही नहीं था। हाँ, इनामी है। बाबा साहब का फोटो, और वो भी तेरे पास? बताता हूँ सब, पहले जरा मास्टर से मिल के आता हूँ। चलो मिलते हैं। मास्टर संत्या, मुझे तेरा गुस्सा कभी नहीं आया, उल्टा मुझे बुरा लगता था तेरे लिए। मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसे लोग कैसे रह सकते हैं जिनसे किसी का भी कुछ भला नहीं होता। लेकिन एक बात पर मेरा पक्का विश्वास था कि इंसान को जैसे बुरी आदतें लगती है, वैसे अच्छी आदतें भी लग सकती है। मास्टर, मैंने आपके साथ जो कुछ किया वो तो अब बदल नहीं सकता। अब जो बदल सकता है उसके बारे में सोच। जिस दिन इंसान उसका कर्तव्य जान जाता है, उस दिन उसका असली जन्म होता है। यहाँ आना नहीं बिल्कुल, जहाँ रहना है रहे, जो करना है कर, हमको तकलीफ मत दे बस। यही च रहूंगा मैं। और क्या करेगा? जेल में जाने के बाद अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं सुना? वो तो दिख ही रहा है। सुना खूब पीटते हैं, शेर को बिल्ली बनाने तक। ओ चाचा
चाय ठंडी हो रही है बोला। तुझे क्या करना पड़ता, मैं ठंडा पीऊ या गरम, तू अपना काम कर। पहले तेरी तरफ देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती थी, अभी सब सामने हंसते हैं, मजाक करते हैं, डायलॉग मारते हैं, मुझे सहन नहीं होता। सहन नहीं होता तो आंखें बंद कर। और सुनो बे, अब एडमिशन हो गई है ना, तो जरा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। चलो। संध्या ज्यादा हो रहा है ये सब, बाकी लोग भी जाते हैं जेल में, लेकिन इतना असर किसी पे नहीं होता। तो मेरे पे हो गया ना दोस्त, छोटे मुझे खुद का दुकान शुरू करने में ना एक दिन भी नहीं लगता, फिर भी मुझे उस भैया के दुकान में ही नौकरी करनी है, वही काम करना है। बहुत हो गया बे झूठी शान मारना, अब जो सच है ना उसको ऐसा सामना करना है, देखना है क्या अपन भी लोगों की बातें सुन सकते हैं क्या, गुस्सा आया तो कंट्रोल कर सकते हैं क्या। मतलब तुझे अब कभी गुस्सा आएगा ही नहीं क्या? ऐसा कब बोला बे मैंने? तो फिर देख, गुस्सा जब आना है तब आएगा ही, पर गुस्सा बाहर निकलने का तरीका सही होना चाहिए। अब देख, मैंने गलत तरीके से गुस्सा बाहर निकाला तो 6 महीने जेल में रह के आया कि नहीं, हाँ बस इसके बाद ऐसा नहीं होने देने का। अबे जेल में जब महामानव का संघर्ष पड़ा ना, तब समझा भाई कि अपने को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। और क्यों बे, तूने और वो राहुल ने भी नहीं बताया रे कभी बाबा साहब के बारे में, कभी नहीं? अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। मेरे घर फोटो है बाबा साहब का, पर मेरे से ज्यादा तो तुझे ही पता है उनके बारे में। फोटो तो मेरे घर में भी है बे, शिवाजी महाराज का। लेकिन शिवाजी महाराज कितने महान थे ना, ये मुझे अब तक पता ही नहीं था। अबे देश भर में उनकी महानता के चर्चे थे, पर फिर भी क्या हुआ, शूद्र बोलकर राजा बनने से रोका गया। हाँ, और बाबा साहब के साथ भी तो यही हुआ, अब नए जमाने का राजा ही बोलेंगे ना उनको। हाँ, पर उनको भी कहाँ मान मिला बे, बस अपन ही बेमतलब के राजा बनकर घूमते रहे। तेरे में बहुत मतलब बहुत ही फर्क पड़ा है। क्यों बे, पागल दिख रहा हूँ क्या? वैसा नहीं बे, साला हमसे हो पाएगा ऐसा लगता नहीं। हाँ यार, अपन ऐसा करने में डरते हुए छोटे, अब मुझे ही देख ले। 6 महीने पहले मुझे लगता था अगर दारू और मावा रोज नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, और अब 6 महीने हो गए भाई, दारू का एक घूंट भी नहीं लिया, और मावा उसकी तो बास भी सहन नहीं होती। सही में? तो चलो बे, अब 1 बज गया होगा, पिया नहीं लेकिन टाइम देखकर घर वालों को लगेगा कि पीकर आया करके। अबे इससे अच्छा तो थोड़ी थोड़ी पी ही लेते थे। सुन, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम त्वम नमामि शनेश्चरम। बांधो। भैया एक समोसा अजून दे मले। ए, राज क्या है तुम्हारे समोसे का, लोकांना का घरी जेवायचं सोडून देवायचं का? हा अरे साहब, अब आम खाओ ना, गुटका काय को गिनते हो? भैया 15 पीस समोसे और चाहिए। संध्या, हाँ जल्दी कर, और 15 प्लेट का ऑर्डर है। अच्छा। पैसों के बल पर कुछ लोगों को खरीदा जा सकता है, ये कुकरेजा जानता है। इसीलिए गरीब औरत पर बलात्कार करते हुए, उसका खून करते हुए उसे किसी का डर नहीं लगा। और अब राजनेताओं से लेकर पुलिस तक और वकीलों से लेकर पत्रकारों तक, सभी को उसने खरीद लिया है।
लड़ाई जीतने के लिए शस्त्र जरूरी होते हैं। कुकरेजा ने पैसों को उसका शस्त्र बनाया है, हमें शिक्षा को अपना शस्त्र बनाना होगा। ए सूर्या, कहाँ रहता है बे आजकल? अबे तू छुटकर भी आ गया, पता ही नहीं मुझे। चल मिलता हूँ फुर्सत में, बात करेंगे। सूर्या को हमने साथ रखना चाहिए। साथ में मतलब क्या, गोद में लेकर घूमेगा? मुन्ना हराम को रह बे, दोस्ती की कद्र नहीं है उसको। इसको कहाँ कद्र है, तो दिन रात उस मुन्ना की तो चाट रहा है। सूर्या वैसा नहीं है बे, मैं जानता हूं उसको। संत्या, संत्या, ये क्या पढ़ रहा है? क्यों दिखता नहीं क्या? किताब है बाबा साहब की। संत्या, इस घर में ऐसे नाटक नहीं चलेंगे। नाटक? नाटक नहीं है, किताब है। और इस घर में क्यों नहीं चलेगा? मैं कह रही हूं इसीलिए। अरे माँ, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इधर हम कंकड़ पत्थर की पूजा कर रहे हैं और उधर दुनिया बहुत आगे निकल गई है। संत्या बंद कर तेरी ये फालतू के धंधे, इसके बाद नहीं चलने दूंगी। जेल में गया तब से सारी दुनिया हंसती है मुझ पर, और अब वापस आया तो लोगों के झूठे बर्तन धो रहा है। काम है वो। नहीं करता था तब भी अच्छा था, लाज शर्म तो तेरे में बची नहीं। हमारे भी जिंदगी का मजाक बना दिया है, और अब ये सब, मतलब जाति धर्म के परंपरा कुछ नहीं है। इसके बाद किसी की भी फोटो लगी हुई किताबें इस घर में नहीं लाना। अधिकार चलते हैं, मिलता वो मौका चलता है, फिर मौका देने वाला नहीं चलता क्या? तेरे खोपड़ी में कौन कमी ना ये कचरा भर रहा है पता नहीं। वो रवि को नौकरी अपने आप ही मिल गई क्या? हरामखोर, उसे उसकी मेहनत से मिली नौकरी किसी के एहसान से नहीं। और आपको, आपको भी काबिलियत थी इसलिए नौकरी मिली होगी, नहीं क्या? नहीं तो क्या तेरे एहसान से मिले मुझे नौकरी? और आपके बाप को, आपके बाप को क्यों नहीं मिली सरकारी नौकरी? क्यों वो मेहनत नहीं करते थे, या उनकी काबिलियत नहीं थी? संत्या, माँ काबिल सभी रहते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन आगे वही जाता है जिसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। 1950 से हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है, इस आदमी की वजह से। कर लिया बकवास, अब जा ये किताब फेंक उधर। ये किताब फेंकने के लिए नहीं लाया मैं। मैं जिंदा हूं तब तक इस घर में ये सब नहीं चलेगा। 6 महीने पहले अगर बोली होती ना तो शायद सुन भी लेता, पर अब नहीं। सब कुछ जानने के बाद और सच क्या है ये समझने के बाद मैं ये किताब नहीं फेंकूंगा। अब ये किताबें हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। फिर तू भी जा यहां से, इसके बाद मुंह मत दिखाना मुझे। माँ, घर बर्बाद नहीं करना है मुझे, चल जा। माँ, जा निकल जा। माँ, रोक लेना उसको। संत्या वापस आ, संत्या, माँ बुला ना उसको। मनीषा, तुझे पढ़ने को मिला ना?
भैया पैसे चाहिए। काई के? काई के? डेढ़ महीना काम किया, पैसे कहाँ लिया? तेरे पगार के पैसे एडजस्ट हो गए संध्या। क्या? तेरे पहले की उधारी कितनी मालूम है तेरे को? हिसाब करके आज तेरा एक दिन का पगार बनता है। आज काम पे लग जा, अगले महीने से पगार ले लेना। बे संध्या, मुंह क्या देखता है? अबे दो रख कर दे साले को और उठा पैसे, तेरी वजह से धंधा चल रहा है उसका। ए पांटपरी, कौन बांटे हो तुझा? को अब करके है दिखाना, नजरों में होगा मेरे बस यही निशाना। सारी दुनिया को अब करके है दिखाना, नजरों में होगा मेरे बस यही निशाना। ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे, ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। बहुत हुई अब ये शोकांतिका है, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे। पढ़ाई शुरू है कि नहीं बे? शुरू है ना यार। कमाई के पैसे बचा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपना ही कुछ धंधा शुरू करूँ। कर यार, साला जब से पढ़ाई शुरू हुई है ना, तब से टपरी पर बैठने को भी शर्म आती है। ये राहुल क्या कर रहा है आजकल? सुना है वो एक ऑफिस में काम करता है। ऑफिस में? क्या काम करता है? पता नहीं यार। किसके? बे सूर्या, ए सूर्या, बे सूर्या, बे रोक गाड़ी, रोक। बैठ। क्या हुआ? बात करनी है, बैठ। क्या है यही बोल। बोल। अपना धंधा शुरू कर रहा हूँ, छोटू और शुभ भी है, तू भी आ जा। नौकर चाहिए? अपने लोग चाहिए। सूर्या चल बे, भाई का फोन आ रहा है। ए? कौन है रे तेरा भाई? मुन्ना पांडे। तेरे मुन्ना भाई को बताना मत कि संत्या मिला था करके, चड्डी में मुंह देगा वो। और झूठ लगता है तो पूछ इसको। ए सूर्या, किया ना यार सारे तमाशे किए अपन ने, और समझ भी गए कि उसमें कुछ नहीं रखा है। एक काम कर, तू चल अपन उधर। अपन क्या? अपन पे संध्या लोग हंसते हैं तेरे पे, गुब्बारे से जैसे हवा निकलती है ना वैसे फुस हो गया बोलते तू। कौन हंसता है बे? कोई नहीं हंसता। हाँ तू हंसता होगा, ये पागल हंसता होगा, और वो मुन्ना हंसता होगा, और कोई नहीं हंसता। अबे मैं बदल गया ये देखकर बहुत लोगों को अच्छा लगता है। उनको तो अच्छा ही लगेगा बे, साला पहले किसी की चू करने की हिम्मत नहीं थी, अब वही लोग थूकते है मुंह पे। ये ऐसी बेइज्जती की जिंदगी नहीं चाहिए अपने को। अपन राजा है और राजा ही रहेंगे। ए रुक सूर्या, रुक। ये देख, अपनी दोस्ती बहुत पुरानी है बे, चल चल। मैंने दोस्त बदल दिए।
बुरे का फर्क हमको समझना ही होगा। भले बुरे का फर्क हमको समझना ही होगा। सबकी भलाई में हमको बदलना ही होगा। चल के चलो बनाए कुछ तो ऐसी राहें, इसी जमाने को फिर झुकना ही होगा। ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे, ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। बहुत हुई अब ये शोकांतिका है। भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे। ए सब्जी दे उधर, खाना अच्छा है ना? हाँ संध्या, कैटरिंग का ऑर्डर लेगा क्या? कहाँ का? मेरे शादी का, 1000 लोगों का खाना है। हाँ करता। शादी कब है? 10 तारीख का है। बस हो ही गया समझो। चल डन, थैंक यू। और देख रहे भाई, कितनी भी भूख लगी तब भी डब्बे नहीं खोलने का। नहीं, वापस इधर आके ही खाने का। हाँ। नहीं तो पहले ही खा कर जा। नहीं, 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 नहीं। हाँ 60 टिफिन ना मैडम। हाँ ठीक है ना, भेजता हूँ कल से। बस आप उतना एडवांस जमा कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 7 टिफिन एडवांस। हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ अभी निकल गए आपके टिफिन। हाँ हाँ। इतिहास क्यों ना अपना ढूंढ करके देखे, इतिहास क्यों ना अपना ढूंढ करके देखे, झूठ और सच को क्यों ना तौल करके देखे। दिखने लगेगी फिर तो अब मंजिलों की राहें, गुलामी के वो बंधन तोड़ करके देखे। ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे, ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। बहुत हुई अब ये शोकांतिका है। भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे। आता हूँ शाम को मिलने। संध्या, बॉस ने बोला है तेरे को। मुझे मिलने का है बोला। किस लिए? कुछ बताया नहीं, बोला लेकर आओ। लेकर आओ? ए छोटू बैठ इधर। उस दिन रॉयल क्लब की पार्टी में गया था, कैटरर के बारे में पूछा तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। हाँ सर, रॉयल क्लब का ऑर्डर मैं ही मारता हूँ। कैटरिंग कब से कर रहे हो? हुआ होगा 1.5 साल। और कितने साल करना है? रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से काम शुरू किया है साहब, आज रॉयल क्लब में महीने के 4 ऑर्डर मारता हूँ। अपने को रुकने का नहीं है साहब, और कभी रुका भी नहीं। और वैसे भी बाबा साहब तो कहते ही है कि लो एम इज क्राइम, इसलिए मैं भी छोटी सोच नहीं रखता साहब। मुझे अपना खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करना है। राजकुमार को अंदर भेजो। ओके सर। रेस्टोरेंट कैसे चलता है पता है? रेस्टोरेंट के हर एक कोने में क्या क्या काम चलता है सब पता है साहब। एक बड़े रेस्टोरेंट में काम भी किया है मैंने। हाँ बस फर्क इतना है कि वो रेस्टोरेंट दूसरे का था। मैं भी कभी छोटी सोच नहीं रखता हूँ संतोष। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं गटर साफ करता था। 12 साल का था तब बाप ने पहली बार गटर में उतारा। 20 साल का हुआ तब किसी ने बाबा साहब के बारे में बताया। फिर जो मिला वो पढ़ता रहा, बाबा साहब, रैदास, फूले, पेरियार। तब समझा कि नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, वो एक षड्यंत्र है। खूब पढ़ाई की, मेहनत की और आज ये इतनी बड़ी कंपनी है। ये राजकुमार पहले सरकारी अस्पताल में पेशेंट की मालिश किया करता था और आज इस कंपनी में मेरा पार्टनर है। हाँ
मैं भी जो कर पाया वो इन महामानव के विचारों की वजह से ही हो पाया है। अपना भी वैसा ही है सर। बाबा साहब के विचार पारस के जैसे है। बाबा साहब के विचारों को जो भी छू लेता है उसका जीवन सोने का हो जाता है। सच है। तो संतोष, तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। रेस्टोरेंट का प्लान बनाओ। प्लान तैयार है सर। रखो जोश कायम, अपना लक्ष्य होगा हासिल। कोशिशों से बनता है हर इंसान काबिल। दूर दूर फैला दो उजालों का शासन। हर लोड़ाने ऊंची जंग के मुकाबिल। जिक्र जरूरी है लबों पे महामानवों का। जिक्र जरूरी है लबों पे महामानवों का। अनुयायी बनना होगा उनके विचारों का। करके ये इरादा रखता जा कदम। राहगीर बन जा तू नए रास्तों का। आजकल बस्ती में नहीं दिखते भी? हमने खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया है, वही काम करते हैं। या क्या पेड़े बांटने आए हो फिर? राहुल, तुझे साथ लेने आए हैं। या काम करता हूँ मैं, कंचे नहीं खेलता। वहाँ भी काम ही करना है, कंचे हम भी नहीं खेलते। रेस्टोरेंट में भी बहुत काम है, बर्तन धोने के, झाड़ू मारने के, आलू छिलने के, ये सब काम हम कर सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब नहीं जमता साला। कौन बोला वे सुधर गया करके? ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। बहुत हुई अब ये शोकांतिका है। भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे। आओ वंदना ते। जरा देर हो गई, तुझे कहीं जाना तो नहीं था ना? मुझे कहीं नहीं जाना है, बताइए। पहली बार आई तेरे ऑफिस में, अच्छा बनाया है। रेखा की केस की सुनवाई अगले हफ्ते शुरू हो रही है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुकरेजा ने पुलिस को मैनेज किया है। वो वही कर सकता है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, अपना वकील अच्छा है। ये 1 लाख है, और ज्यादा खर्च हुआ तो बताइए मुझे। इससे बहुत काम हो जाते हैं, नहीं तो पैसों के बिना। उस कुकरेजा को जेल में भेजने के लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूं। अरे जल्दबाजी में मैं भूल ही गई, ये सफीना और ये पल्लवी और ये संतोष, इस रेस्टोरेंट का मालिक। इसकी बहुत मदद मिल रही है इस केस में। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो शायद? मैं जिसे जानती थी वो इससे बहुत अलग था वंदना दीदी। फिर बात करेंगे, चलो संतोष मिलते हैं। ठीक है वंदना ताई। वंदना ताई, वो कोर्ट की सुनवाई में मैं भी रहूंगा। मिलेंगे हम वहां। पल्लवी, तुझे इस रूप में देखकर अच्छा लगा। तुझे बहुत तकलीफ दी ना मैंने, उसके लिए सॉरी। माफी मांगने के लिए हिम्मत लगती है। तू इतना बदल गया है, इस पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सब तेरे माली मास्टर जी ने ही किया है। अच्छा लगा। आते हो?
संध्या। क्या हुआ? सूर्या का मर्डर हो गया। बताया था साले को, छोड़ दे उस हरामखोर को, हमारे साथ था। साला सुनेगा तब ना। संध्या, आज सुबह उसकी बॉडी मिली थी रेलवे ट्रैक पर। वो मुन्ना को पुलिस वाले लेकर गए थे, पर आमदा ने छुड़ा लिया है उसको। तू बराबर बात करता था कि शिवाजी महाराज सिर्फ हमारे नहीं, तुम्हारे भी है। पढ़ा मैंने। अच्छी बात है। कम से कम इसके बाद किसी मुसलमान को तू अलग तो नहीं समझेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा किसी ने किया ना तो अच्छा तोड़ने का उसको। आ बैठ, चाय पीने दे। टाइम मिला तो तू ही आ मेरे होटल में, खाना खाएंगे। इस काम में मन लगता है? पढ़ाई किया तो मना किसने किया? मैं तो जेल जाने के बाद पढ़ाई चालू किया और अभी भी कर रहा हूं। देख रफिक, इतने बड़े समाज को पढ़ाने के लिए जब महात्मा फुले और सावित्री माँ ने काम शुरू किया ना, तब उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दिया। तब फातिमा भी नाम के एक और माँ ने उन्हें सहारा दिया। इसलिए क्यों किया? क्योंकि तू, मैं और अपनी माँ बहनें पढ़ लिख कर कुछ कर सके। और अगर फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों का आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए काम में मन लगता होगा तो कर, नहीं तो आकर मिल मुझे, साथ काम करेंगे। नौकर बनकर नहीं, दोस्त बनकर। रहने दे, हाथ खराब है मेरे। अबे लेकिन नियत तो साफ है ना भाई। करके ये इरादा रखता जा कदम, राहगीर बन जा तू नए रास्तों का। ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे, ना ही झूठी बातें, ना ही झूठे वादे। बहुत हुई अब ये शोकांतिका है। भीम सैनिका रे, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका रे, भीम सैनिका, भीम सैनिका रे। पुलिस ने सारे सबूत मिटाकर केस कमजोर बना दी थी, इसके लिए आमदार गोंडाने ने मदद की कुकरेजा की। हम हाईकोर्ट जाएंगे, उसके लिए क्या करना है उतना बताइए। संभाजी पवार नाम के एक सीनियर वकील है, रेखा की केस अगर उन्होंने लड़ी तो कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बिजी इंसान है और पैसा भी उतना ही लेते हैं। पवार साहब, मैं संतोष, ये राहुल। वो रेखा टेकाम के केस के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वो केस हम सेशंस कोर्ट में हार गए, तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि हाई कोर्ट में आप हमारे तरफ से लड़े। मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी जो भी फीस होगी वो हम देने को तैयार हैं। मैंने पैसे की बात नहीं की,
टाइम नहीं है या आदिवासी औरत थी इसलिए केस लड़ने की इच्छा नहीं है? क्या बोला? साठे का फोन था। क्या बोला? हमदर तेरे से मिलना चाहता है। हमदर को? कल विकास को क्रेजा के घर पर बुलाया। प्रेसिडेंट क्लब, पिरामिड और टकीला, ये तीन रेस्टोरेंट है कुरेजा के। तीन में से एक भी रेस्टोरेंट उसने खुद ने शुरू नहीं किया, तीनों खरीदा है दूसरों से। तुझे किस लिए बुलाया कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बुलाया तो आमदार ने है बे। साला गुस्सा तो इतना आता है ना, लगता है जैसे गर्दन ही उड़ा दूं। साला इलेक्शन आए तो सभी महापुरुषों के फोटो इनके बैनर पे रहते हैं, और इलेक्शन खत्म तो सबको भूल जाते हैं। साले भूलते नहीं, छुपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनके हिसाब से महामानव बताने होते हैं। बाबा साहब बोले शिक्षित बनो, लेकिन माली मास्टर की स्कूल आमदार ने कभी शुरू नहीं होने दी। बाबा साहब बोले संघर्ष करो, लेकिन आदिवासी बहन के लिए जब आंदोलन करने का टाइम आया तो हमारे जैसे गुलामों का इस्तेमाल करके वो आंदोलन शुरू होने के पहले ही बंद करवा देते हैं। बाबा साहब बोले संगठित रहो, लेकिन उनकी जयंती हर गली में अलग होनी चाहिए, यही इनकी इच्छा रहती है। साला अकल ही नहीं थी भी मुझ में। अब याद आता ना कि ऐसे इंसान के साथ काम करता था तो मुझे मेरा ही गुस्सा आता है। पुराने दोस्त अभी भी हैं। हमने क्या बिगाड़ा है बे तेरा? क्या साहब, आप भी तो हो ही साथ में। बैठ बैठ, बाकी मानना पड़ेगा तुझे, क्या बड़े बड़े होटल हैं। गर्व है मुझे कि मेरी उंगली पकड़कर तू आगे बढ़ा है। हमेशा साथ रहता तो अब तक नगर सेवक बन गया होता। जेल से छूटा तब मौका था, तब नहीं आया। गलती हो गई। तेरे जैसा कार्यकर्ता मुझे मिला नहीं बाद में। लेकिन तुम्हारा ये पिल्ला आएगा आजकल। आइए 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 कुकरेजा साहब, इधर ही तो है, इधर ही है, जाएगा किधर। मैं तेरे को बहुत पिटवाने वाला था, तूने मेरे बंगले पे हमला किया था ना, ये आमदार साहब ने रोक लिया मुझे, बोला जाने दो, बच्चा है हमारा, गलती हो गई, किसी ने भड़का दिया होगा। वैसे वो केस में मैं छूट गया मालूम है ना। आमदार साहब मजा मैंने किया और सजा ऐसे हो गई फोकट में। माता रानी की कृपा है, अब इनको काम पे लगाओ। संत्या, कोर्ट में तो हम केस जीत गए हैं, लेकिन उस तरफ से कुछ हलचल हो रही है ऐसे सुनने में आया है। वो वंदना और मास्टर चुप बैठेंगे ऐसा नहीं है। क्या पक रहा है जरा पता तो कर। पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, बोल उसको। पर वो लोग अब मेरे कांटेक्ट में नहीं है साहब। तेरे बस्ती के लोग हैं, पहचानते हैं तुझे, सुनेंगे तेरा। ये लोग पागल है क्या? एक काम वाली बाई के पीछे इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं लोग? अब तक तो उसके घर वाले उसको भूल चुके होंगे। कुकरेजा साहब क्या है ना, या अपोजिशन वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जो डेवलपमेंट का काम कर रहा हूं वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। ये रेस्टोरेंट किसके चला रहा है तू? मेरे। चार चार रेस्टोरेंट इसके हैं,
चारों तेरे। धंधा जमते तेरे को? कोशिश कर रहा हूं। खून में होता है, कोशिश में नहीं होता है। हर कोई नहीं कर सकता है। बैंक से लोन लिया है। धंधा आजकल बहुत मंदा है। रेस्टोरेंट तू मुझे बेच दे, मैं तेरा हर एक लोन का पैसा चुकाऊंगा। अंदर साहब, अब इसके लिए मैं इतना तो कर सकता हूं, समझाइए इसको। देखा, हमारे जैसे लोग मिलेंगे नहीं तुझे जिंदगी में कभी। ये तो मैं भी मानता हूं साहब, और सारी दुनिया को पता है कि आप जैसे लोग कभी नहीं मिलेंगे। समझदार है। विकास कुकरेजा नाम के इस आदमी को आप सब जानते हैं। शहर में इसके 4 रेस्टोरेंट हैं। राजनीति में इसके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन 6 साल पहले इसका असली चेहरा हम सबके सामने आया, जब रेखा टेकाम इस गरीब आदिवासी औरत पर बलात्कार करके इसने उसका खून कर दिया। खुद की मेहनत से सफल होने वाले संतोष जैसे इंसान से अगर ऐसा बर्ताव करता है तो अपने नौकर और बाकी लोगों के साथ ये कैसे पेश आता होगा, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों की सोच का पूरी ताकत से विरोध होना चाहिए। मैं जनता से विनती करती हूँ कि रेखा टेकाम को न्याय दिलाने के इस लड़ाई में आप हमारे साथ आए। ये अच्छा सबूत मिला है आपको? हाँ, कोर्ट में उसकी काफी मदद होगी। मेरे पास बहुत केसेस रहते हैं, हर केस के पीछे बहुत समय देना पड़ता है, इस वजह से मैंने आपको मना किया था। तुम दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, रेखा टेकाम की केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। रेखा टेकाम बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी विकास कुकरेजा के पक्ष में आया सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज हाई कोर्ट में पेश की गई। जाने माने विधिज्ञ संभाजी पवार इस केस में फरियादी के वकील होने के कारण इस केस को अब ज्यादा महत्व प्राप्त हो गया है। उच्च न्यायालय में इस केस की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली। वो 2 फूड मैनेजर लगेंगे भाई, उस एजेंसी को बता दे। बता दिए। कुकरेजा के रेस्टोरेंट में अब कुत्ता भी नहीं भटकता। सुना है आमदार को मिलने गया था। वो अब आमदार को मिले या खासदार को, लोग पागल नहीं है बे, सब समझता है उनको। सुनो रे, छत्रपति शाहू महाराज ने 1920 के मानगांव परिषद में ऐसी घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में बहुजनों को उनका नेता मिला है। इस महत्वपूर्ण घटना को आने वाले 20 मार्च 2020 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सामाजिक भाव रखकर काम करने वाले नौजवानों का सत्कार किया जा रहा है। अरे अपने संता को भी पुरस्कार मिलने वाला है ना बावा, कांग्रेस भाई। तो बड़ी पार्टी चाहिए दोस्त। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या तुझे पुरस्कार मिलेगा तो भाषण भी देना पड़ेगा, वो भी शुद्ध भाषा में। चल बे, शुद्ध वगैरह कुछ नहीं रहता भाषा में, जो अपन बोलते हैं वही अपनी भाषा, और अपनी भाषा से शुद्ध और कोई भाषा नहीं हो सकती। इसीलिए अपन अपनी भाषा को अशुद्ध मानकर खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। सही बोला भाई, ये तो अभी से भाषण दे रहा है रे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं संतोष से। एक छोटी सी बस्ती में खुद को भाई बोलने वाला एक लड़का आज एक बहुत ही सम्माननीय अवार्ड का विजेता है। कहानी दिलचस्प है, सुनते रहिए रेडियो ऑरेंज। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जल्द ही फूड प्रोसेसिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं, पैकेज फूड का भी शुरू कर रहे हैं। कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। ऐसा सुना है कि आप सोशल वर्क में विशेष रुचि रखते हैं। अब जो समाज के साथ ही नहीं रहता उसे इंसान कैसे कहेंगे, वो तो जानवर है। 6 साल में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना एक बड़ी कामयाबी है। इन 6 सालों का सफर कैसा रहा?
अब देखा जाए तो मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं, सिर्फ ठान लिया कि क्या करना है और उसके लिए जिद से लग गया। हाँ, लेकिन ये सब शुरू होने के पहले का टाइम बहुत अच्छा नहीं था, 6 महीना जेल में भी रहा। ऐसा सुना है कि आपका बीता हुआ कल बहुत अच्छा नहीं था। बेकार था ऐसा कहा तब भी चलेगा। कुछ दिन पहले मैंने मालकॉम एक्स की फिल्म देखी, फिल्म इंग्लिश में थी इसलिए मुझे पूरी नहीं समझी, लेकिन लगा जैसे मेरी ही कहानी है। जेल जाकर वो सुधर गया और बाहर आकर अच्छे काम करने लगा, अमेरिका का बड़ा नेता बना, आज करोड़ों लोग उसे मानते हैं। मैं भी अपना वर्तमान कुछ लोगों का भविष्य अच्छा करने के लिए लगा रहा। किसका इंटरव्यू है? संतोष, तू जानती है उसे? उस दिन तेरे साथ कुछ बात कर रहा था ना वो? उसने जो किया है ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मतलब उसने साबित कर दिया है कि इंसान में अगर जिद हो ना तो वो कैसे भी और कितने भी खराब हालातों से बाहर निकल सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तेरे साथ पढ़ता था क्या? अरे कब आया? रात में ही आया। क्या रे, तेरे भाई को पुरस्कार मिला तूने बताया नहीं मुझे? अरे वो मतलब तू गांव गया था तब पता चला। अरे उसका इंटरव्यू सुना रेडियो पर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार। इससे कहते हैं सोशल होना, नहीं तो हम वीकेंड पर 4 दोस्तों के साथ दारू पीने बैठ गए तो लगता है सोशल हो गए। इनफैक्ट मैं बहुत इंस्पायर हुआ संतोष से। हे, तुझे बहुत गर्व हो रहा होगा ना तेरे भाई पर? क्या साला किसी किसी का नसीब रहता। कल तक हमारे यहाँ झूठे बर्तन धो रहा था, आज 4 रेस्टोरेंट का मालिक है। अपुन साला इधर ही। उसके बहन की शादी पक्की हो गई सुना? और उसका बड़ा भाई? उसकी तो कब की शादी हो गई। मुझे तो पहले से ही लग रहा था संत्या में कुछ तो बात है, मेरे को मालूम था। तुम्हारा छोटू तो अच्छे काम में लग गया, हमारा लड़का पता नहीं क्या तीर मारता है। वत्सला भाई के संत्या ने किया ये सब। संत्या ने एक एक को पकड़ कर काम पर लगाया ना, नहीं तो हमारा लड़का भी बाप के जैसे लोगों के कपड़े धो रहा होता। वत्सला भाई के संत्या की टीवी पर मुलाकात आई थी, सुना है उसे बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। वत्सला भाई का नसीब अच्छा है जो ऐसा नाम करने वाला लड़का मिला। तू डॉक्टर बने ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन तू एक साधारण टीचर बनी। मेरी इच्छा के विरुद्ध तूने वंदना के साथ सोशल वर्क किया, एक्सेप्ट किया मैंने। लेकिन अब तू बेवकूफी कर रही है, इससे अच्छा तो सोशल वर्क किया ना तो चलेगा। पापा, मेरा ये फैसला शायद सोशल वर्क का ही एक हिस्सा है। पल्लवी, ये सारी बातें अगर किताबों में रहे तो अच्छा है। पापा, इन बातों को किताबों से निकाल कर जीवन में उतारना पड़ेगा। नो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। तुम्हारे साहब को फंसाने का हमारा भी कोई इरादा नहीं है, वो फंसेंगे तो उनकी गलती से। लेकिन वो हरामखोर कुकरेजा जेल जाना चाहिए। वो जेल नहीं, शमशान में जाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन यह मैं नहीं कर सकता संत्या। तुम्हें करना पड़ेगा दिनेश भाई, क्योंकि रेखा दाई को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उस कुकरेजा का, आमदार का और पुलिस का सारा षड्यंत्र तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि सब तुम्हारे सामने हुआ है। बस जो सामने देखा है वही कोर्ट में बोलना है। संत्या, मुझे बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर। क्यों नहीं कर सकते? मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने का ठेका सिर्फ बाबा साहब के समाज ने ही उठाया है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज और क्रांतिवीर बिरसा मुंडा सिर्फ नाम के लिए ही हमारे गुरु है क्या? समाज के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या अपने खून में ही दम नहीं है? लेकिन संत्या, उनको अगर पता चला कि मैंने ये कोर्ट को बताया है तो वो मार डालेंगे मुझे।
और नहीं बोले तो क्या अमर हो जाओगे? ठीक है, मत बोलो, लेकिन इतना याद रखिए कि यहां से घर जाते जाते भी तुम मर सकते हो, कोई रास्ता पार करते करते भी मर सकते हो, घर में सीढ़ी होगी ना, वो चढ़ते चढ़ते भी मर सकते हो, फिर सच बोलकर मरो ना। कब तक दिनेश भाई, कब तक अपने ही मां बहनों पर हाथ डालने वालों की गुलामी करते रहेंगे? हिमाचल में फूड प्रोसेसिंग कंपनी शुरू कर रहा हूं, वहां बीवी बच्चे लेकर जाओ और वहीं रहो, नौकर बनकर नहीं, मालिक बनकर। लेकिन इतना याद रखिए कि रेखा ताई को इंसाफ मिलना ही चाहिए। हाँ बोलो कुकरेजा। खेल चल रहा है गोंडा ने। काय का खेल? तुम सब पिए है ना काय? कौन साठे? वो आएगा 9:30 बजे तक। आएगा भी नहीं, वो हरामखोर कोर्ट जा रहा है गवाही देने। रोको उसको। दिनेश भाई और मैं पार्किंग में गाड़ी में बैठकर गेट पर जाते हैं, तुम दोनों राहुल और रफीक गेट पर जाओ और सब ठीक है क्या देखो। चलेगा। संध्या भाई, साला बड़ा आदमी हो गया तू। मुन्ना तू बीच में मत पड़। ठीक है, तू साठे को इधर भेज दे, मैं चला जाता हूं। मुन्ना तुझे कुछ पता नहीं है। तू चुप रह साले गद्दार। कुकरेजा सेठ का पूरा धंधा चौपट कर दिया तुम लोगों ने और अब उनको जेल भेजने के पीछे पड़े हो। झगड़ा करने आया है? मैं इस गद्दार को ले जाने आया हूं, आज ये कोर्ट नहीं जाएगा। कोर्ट में तो ये जाएगा और अब तू भी जाएगा। अबे तू हमको डरा रहा है? डर लग रहा है तो भाग जा, एक मौका और देता हूं। मुझे लगता है तुम भी जेल में जाकर ही सुधरोगे। तू सुधर गया? पता नहीं, लेकिन जब जेल में था ना तब अपने हीरो लोगों की लाइफ पड़ा। तो संत हो गया है तू? नहीं, क्योंकि अपने एक गाल पर पड़ी तो दूसरा भी गाल आगे करना, ये अपने को शिवाजी महाराज ने नहीं सिखाया। अच्छा तू बोलेगा और मैं निकल जाऊंगा। इनको भी कोर्ट ले जाएंगे। आमदार विजय गोंडाने के पीए दिनेश साठे इनका बयान सुनने के बाद और
और एडवोकेट संभाजी पवार की बहस के बाद उच्च न्यायालय ने आज सेशन कोर्ट का फैसला रद्द करके आरोपी विकास कुकरेजा को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। उसी तरह कुकरेजा को इस अपराध के सबूत मिटाने में मदद करने के जुर्म में आमदार गोंडाने और पुलिस इंस्पेक्टर शरद त्रिवेदी को भी अरेस्ट करने का आदेश दिया है। माँ, उसे सजा हो गई। बोलिए मास्टर जी, आज समय है तेरे पास? आपके लिए टाइम ही टाइम। कहीं फिर से बेरोजगार तो नहीं हो गया? मैं कितने भी काम में रहा ना मास्टर जी, फिर भी आपके लिए वक्त निकाल ही सकता हूँ। तो आधे घंटे में घर आ जा। घर? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वैसा नहीं, आता हूँ आता हूँ। आ जा। ये पेज नंबर 16 पर है, पढ़ लेना। अरे आओ आओ। आपके लिए क्या लाऊं कुछ समझा ही नहीं मास्टर जी, बहुत चीजें देखी लेकिन आपके सामने सारी छोटी ही लगी, इसीलिए ये लेकर आया। वाह, थैंक्स, बैठ। इसे पहचानता है तू? पल्लवी रामटेके, मेरी सबसे होशियार स्टूडेंट, पढ़ाती है एक स्कूल में। हाँ जानता हूँ, मतलब मिला था 2-3 बार। मुझे तुझसे ये पूछना है कि पिछले 6-7 सालों में पल्लवी के लिए तेरी जो भावनाएं थी वो वैसे ही है या उनमें कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि उसकी तेरे लिए जो भावनाएं थी वो बदल गई है। बाप से लड़कर आई है वो तेरे लिए। आपने आपने मुझे क्या बना दिया है मास्टर जी के एहसान में? कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मेरे उपकार नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। माड़ी सर। आया। अब ये बुके तू पल्लवी को दे, क्योंकि तेरे बदलाव के सफर में वो भी तेरी हम सफर है। आता हूं। क्यों, तुझे घर नहीं आना है? मेरे लिए जगह है क्या तेरे घर में? क्योंकि अब सोच ले, अब मेरे पास सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि किताबों का ढेर है। जिद नहीं जाएगी ना तेरी? जिद की वजह से ही तो ये सब हुआ, जिद कैसे जाएगी? एक काम कर, तू ही चल मेरे साथ, मैंने तेरे लिए नया घर लिया है। मुझे नहीं आना किसी घर में, मुझे पता है बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मेरे सामने होशियारी मत दिखा,
अपनी जिद छोड़ और चुपचाप घर आ। और संत्या, अकेले मत आना, बाबा साहब की किताबें भी लेकर आना। पहले मैं अपने माँ बाप की सबसे नालायक औलाद था, लेकिन आज उन्हें खुश देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बदलकर बहुत अच्छा किया। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, पल्लवी। लेकिन जयंती के दिन जब उसने मुझे मेरी औकात दिखाई, तब मैं समझ गया था कि पल्लवी सिर्फ मेरे सपनों में ही आ सकती है, जिंदगी में नहीं। और आज सच में मुझे लग रहा है कि मैं बदल गया, और अच्छे के लिए बदल गया। पिछले 6-7 सालों में मुझे इतना तो समझ गया है कि जिंदगी में अगर तुम कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाए ना, तो इस धरती पर इंसान का जन्म लेकर कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे लगता था कि हाथों में बंधे धागे और अंगूठियों से कुछ चमत्कार होगा, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। मेरे जिंदगी में अगर असली चमत्कार हुआ होगा ना, तो महामानवों के विचारों को पढ़कर और समझकर हुआ है। इन महामानवों ने बहुत मेहनत करके और बहुत कुछ सहन करने के बाद हमारे लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। अगर हमें उन्हें नमन करने की इतनी ही इच्छा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने हमारी जिंदगी एक खूबसूरत फूल जैसी बनाकर उन्हें अर्पण करनी चाहिए। हमने खुद को और अपने काम को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारे महामानवों की जयंती सबसे पढ़े लिखे, प्रगतिशील और जिम्मेदार समाज की पहचान बननी चाहिए। आज ये सम्मान स्वीकारते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना तो काबिल हो गया हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन दो महामानवों का नाम हक से ले सकता हूं। जय शिवराय, जय भीम।